हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? तो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है कि टू इंसर्ट कैरेक्टर डेट आर इलीगल इन अ स्ट्रिंग यूज एन एस्केप कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी हम स्ट्रिंग में कुछ इंटर करना चाहते हैं और वो इलीगल है, लीगल नहीं है, तो उसको हम प्रिंट कराना चाहेंगे, तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा एस्केप कैरेक्टर्स। तो ये कैसे करते हैं, जैसे कि समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा प्रिंट, और प्रिंट में एक स्ट्रिंग बना देते हैं। प्रिंट में एक स्ट्रिंग बना देते हैं, ठीक है। और अब इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये नॉर्मल सा अभिषेक यहाँ प्रिंट, ठीक। बट हम चाहते हैं कि हमारा, अगर हम यहाँ पे एक डबल क्वोट यहाँ पे इस तरह दे देते हैं, ठीक ठीक है। और उसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो ये देखो हमारा सिंटैक्स एरर आ गया। तो हम चाहते हैं कि हमारा अभिषेक के बीच में एक डबल कोट आए, तो उसको हमको प्रिंट कराना है। तो उसको प्रिंट कराने के लिए हमको एस्केप कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा, और वो होता है बैक स्लैश। बैक स्लैश के बाद हम ये डबल कोट लिख देंगे, टाइप कर देंगे, उसके बाद हम इसको रन करेंगे। तो ये देखो हमारा अभिषेक अभी के बाद ये डबल कोट प्रिंट हो गया, उसके बाद शेक प्रिंट हो गया। तो इस तरह हम एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक और एस्केप सीक्वेंस होता है, जैसे कि हम चाहते हैं पहले प्रिंट करते हैं यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक बैक स्लैश प्रिंट हो, ठीक है। तो हम इस तरह सिर्फ डबल क्वाट के अंदर बैक स्लैश देंगे, तो ये हमारा एरर थ्रो कर। हम चाहते हैं कि सिर्फ सिर्फ हमारे एक बैक स्लैश प्रिंट हो, तो हमको वहाँ पे डबल बैक स्लैश देना पड़ेगा, और उसके बाद हम इसको रन करेंगे, तो इस तरह हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम बैक स्लैश को प्रिंट करा सकते हैं, इस तरह हम डबल क्वाट को प्रिंट करा सकते हैं। और एक और हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बैक स्लैश एन। तो क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं और उस पर एक कैरेक्टर बना देते हैं, जैसे कि किंग, और यहाँ पे हम बैक स्लैश एन दे देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे रन करते हैं। तो बैक स्लैश हमारा न्यू कैरेक्टर लाइन होता है, जैसे कि यहाँ पे किंग के बाद एक नया लाइन प्रिंट होगा। तो अभी समझते हैं क्या हुआ। यहाँ पे मान लो कि एक और हम कुछ ये प्रिंट टाइप कर देते हैं, और अब इसको रन करते हैं। यहाँ देखो अभिषेक प्रिंट हुआ, उसके बाद ये न्यू लाइन में ये प्रिंट हुआ। अगर ये हम बैक स्लैश एन को हटा देंगे यहाँ से, और अब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो देखो ये हमारा ये सेम लाइन में प्रिंट हो गया। तो अगर हम चाहते कि ये कोई वर्ड है उसमें हम दो लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो बैक स्लैश एन को यूज़ हमको करना पड़ेगा। तो यही होता है बैक स्लैश एन। तो यहाँ पे अगला हमारा दिया हुआ है बैक स्लैश टी। बैक स्लैश टी क्या होता है, पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और अब यहाँ पे हम एक प्रिंट लिखते हैं, और उस प्रिंट में कुछ भी टाइप करेंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारा इस ये दो स्ट्रिंग्स के बीच में से, कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये दोनों के बीच में एक टैब इतना स्पेस आ जाए, तो हमको लिखना पड़ेगा बैक स्लैश टी, और उसके बाद हमको इसको रन करना पड़ेगा। तो ये देखो हमारा ये टैब इतना स्पेस इसके अंदर प्रिंट हो गया। टैब में कितना होता है, टैब में चार कैरेक्टर इतना स्पेस होता है। तो यही होता है हमारा बैक स्लैश टी। इसके बाद आता है हमारा बैक स्लैश बी। इस बी के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम कुछ स्ट्रिंग लिख देते इस तरह। अगर हम रुको अपना नाम पर लिख देते, तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं अभिषेक, और इसको अभी हम रन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे नॉर्मल अभिषेक प्रिंट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि ये अभिषेक में से कोई अंदर का एक लेटर वो हमारा नहीं डिलीट हो जाए, वो नहीं दिखे, तो हमको यहाँ पे बैक स्लैश बी लिखना पड़ता है, और उसके बाद हम यहाँ रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो ए बी एच एस एच ई के, मतलब कि आई के पहले बैक स्लैश भी है, तो यहाँ में से हमारा आई गायब हो गया। अगर हम ए से पहले ये बैक स्लैश को यहाँ से हटा देते हैं, और ए से पहले हम बैक स्लैश बी लिखते हैं, और उसके बाद इसको हम रन करेंगे, तो यहाँ देखना कि ये हमारा ए गायब हो गया है। तो इस तरह हम बैक स्लैश बी यूज़ करते हैं। बैक स्लैश बी मतलब कि बी से बैकवर्ड होता है, मतलब एक बैक स्लैश हो जाता है, एक एक कैरेक्टर को वो रिमूव कर देता है। तो उसके लिए हम बैक स्लैश बी यूज करते हैं। उसके बाद हमारा दिया हुआ है बैक स्लैश आर, जिसको हम बोलते हैं कैरी रिटर्न। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको प्रिंट लिखना पड़ेगा, प्रिंट लिख दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बना लें, जैसे फिर से अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो ए बी एच आई अभी है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, ए बी एच आई, ठीक है, अब सही।
तो ये अभिषेक है, तो ए बी एच आई को रिप्लेस करके वहां पे कुछ और आ जाए, जैसे कि अभिषेक में ए बी एच आई एस एच ई के स्पेलिंग है ना, तो हम चाहते हैं कि जो ए बी एच आई है इसको रिप्लेस करके कुछ और आ जाए यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे सिंपली यूज करना पड़ेगा बैक स्लैश आर, और यहाँ पे हमको जैसे कि वेल लिखना है तो वेल लिख देंगे, और इसके बाद हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखना वेल शेक आ गया। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो इसका तो लेंथ 8 है, ए बी एच आई एस एच ई करके गिने तो ये 8 है, और इसका ये जो लेंथ है इसका 4 है, डब्ल्यू ई एल एल 4 है। तो ये बैक स्लैश आर का क्या करता है कि ये जो होता है हमारा इंडेक्सिंग इसको क्या करता है कि यहाँ पे ले आता है 0 को, 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है, 0 से करता है स्टार्ट, और यहाँ पे जितना भी यहाँ पे जो कैरेक्टर है इसको 4 है तो यहाँ पे 4 के बराबर इसको यहाँ पे ये प्लेस कर देगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे हम सिर्फ अभी लिखे उसका बैक स्लैश आर लिखने के बाद यहाँ पे हम वेल टाइप करके अब रन करते हैं, यहाँ देखना सिर्फ ये वेल प्रिंट हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 कैरेक्टर है, यहाँ पे भी ये हमारा 4 कैरेक्टर है, तो ये 4 कैरेक्टर को ये 4 कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया। तो यही होता है हमारा बैक स्लैश आर, तो यही होता है स्केप कैरेक्टर्स। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।